दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल द रेल यात्री। हमारे भारतीय रेलवे में नई ट्रेनों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। रेगुलर ट्रेनों में बहुत ज़्यादा भीड़ है और छुट्टियों का सीजन शुरू हो गया है। इसको देखते हुए भारतीय रेलवे लगभग 10 जोड़ी नई ट्रेनों को शुरू करने जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इन ट्रेनों की टिकट बुकिंग कब से शुरू होगी, कहाँ से कहाँ तक ट्रेन चल रही हैं, ट्रेनों का टाइमिंग क्या है, आपको कौन सी सुविधाएँ ट्रेनों के अंदर मिल जाएंगी। सारी डिटेल्स आज आप इसी वीडियो में देखेंगे। अगर आप द रेल यात्री चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों भारतीय रेलवे के द्वारा चलाई जा रही ट्रेन के नाम और नंबर कुछ इस प्रकार रहेंगे। ट्रेन नंबर 07046 सिकंदराबाद डिब्रूगढ़ स्पेशल। हफ्ते में एक दिन हर सोमवार को ये ट्रेन सिकंदराबाद से दिन में 11 बजे चला करेगी। 57 घंटे 50 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन डिब्रूगढ़ रात में 8:50 पर पहुंचा करेगी। 43 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जा रहा है। ट्रेन में सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर की रिजर्वेशन शुरू हो गई है। साथ में कुछ कोच जनरल क्लास के भी लगाए जा रहे हैं। अगली ट्रेन की अगर बात की जाए तो ट्रेन का नंबर रहेगा 07637 तिरुपति साईनगर शिरडी स्पेशल। हफ्ते में एक दिन हर रविवार को ये ट्रेन तिरुपति से सुबह 5:30 पर चला करेगी। 29 घंटे 15 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन साईनगर शिरडी सुबह 10:45 पर पहुँचा करेगी। 31 स्टेशनों पर इस ट्रेन को हॉल्ट दिए गए हैं। इस ट्रेन में आप जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी में यात्रा कर पाओगे। अगली ट्रेन की अगर बात की जाए तो ट्रेन का नंबर है 02575 हैदराबाद गोरखपुर सुपरफास्ट स्पेशल। हफ्ते में एक दिन हर शुक्रवार को ये ट्रेन हैदराबाद से रात में 9:05 पर चला करेगी। 33 घंटे 25 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन गोरखपुर सुबह 6:30 पर पहुँचा करेगी। लगभग 17 स्टेशनों पर इस ट्रेन को हॉल्ट दिए गए हैं। इस ट्रेन में आप स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी में अभी से टिकट बुक कर सकते हैं और साथ में कुछ कोच जनरल के भी इस ट्रेन में लगाए जाएंगे। अगली ट्रेन की अगर बात करें तो ट्रेन का नंबर रहेगा 07007 सिकंदराबाद रक्सौल स्पेशल। हफ्ते में एक दिन हर बुधवार को ये ट्रेन सिकंदराबाद से दिन में 3:15 पर चला करेगी। लगभग 38 घंटे 40 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन रक्सौल सुबह 5:55 पर पहुँचा करेगी। 20 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जा रहा है। थर्ड एसी, सेकंड एसी, स्लीपर की टिकट बुकिंग अभी से कर लीजिए। टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। जनरल के भी कोच इस ट्रेन में लगाए जाएंगे। अगली ट्रेन की अगर बात करें तो ट्रेन का नंबर है 07051 हैदराबाद रक्सौल स्पेशल। हफ्ते में एक दिन हर शनिवार को ये ट्रेन हैदराबाद से रात में 8:35 पर चला करेगी। 40 घंटे 55 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन रक्सौल दिन में 1:30 पर पहुँच रही है। 28 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। इस ट्रेन में आप फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर की टिकट बुकिंग कर सकते हैं। जनरल के भी कोच इस ट्रेन में लगाए जाएंगे। अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 07419 सिकंदराबाद दानापुर स्पेशल। हफ्ते में एक दिन हर शनिवार को ये ट्रेन सिकंदराबाद से दिन में 3:15 पर चला करेगी। 32 घंटे की यात्रा के बाद ये ट्रेन दानापुर रात में 11:15 पर पहुंच रही है। 16 स्टेशनों पर इस ट्रेन के हॉल्ट दिए गए हैं और इस ट्रेन को सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर के कोच दिए जाएंगे। टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। अगली ट्रेन की अगर बात की जाए तो ट्रेन का नंबर है 07115 हैदराबाद जयपुर स्पेशल। ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन हर शुक्रवार को हैदराबाद से रात में 8:20 पर चला करेगी। 33 घंटे 5 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन जयपुर सुबह 5:25 पर पहुंच रही है। 24 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी टाइप के कोच इस ट्रेन में लगाए जाएंगे। दोस्तों फिलहाल ये थी उन ट्रेनों की जानकारी जिन ट्रेनों को भारतीय रेलवे चलाने जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर और भी नई ट्रेनों को भारतीय रेलवे चलाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्पेशल ट्रेनों में कितना वेटिंग का टिकट बुक किया जाए कि आपका टिकट कंफर्म हो जाए और कितना परसेंट चांसेस होते हैं तो कमेंट में आप अपनी क्वेरी के बारे में पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। अगर इस टॉपिक पर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर 10 से ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं तो इस टॉपिक पर पूरा एक वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।